मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत आहेत, जाऊया. ये काम का जो लोग इस चुनाव में उसका नतीजा जरूर दिखाई पड़ेगा. और मैं इतना ही कहूँगा कि महाराष्ट्र में डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं. डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, और इसलिए आम आदमी के जीवन में परिवर्तन हो, मेडिकल में, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, इंफ्रा में हो, किसानों को मुद्दे पे हो, और इसलिए लोग महायुति को पसंद करते हैं. और आने वाले कल का भी पांचवा चरण है. इसमें 45 मिशन 45 जो हमारा है, निश्चित रूप से हम उसमें कामयाब होंगे. उम्मीद अभी बातचीत हो रही है मेरी सबसे कि डेवलपमेंट, वो भी डेवलपमेंट चाहते हैं. और मैंने कभी भी भेदभाव नहीं किया है डेवलपमेंट में. जो थाना में जो रोड बन गई कंक्रीट की, थाना में पानी की व्यवस्था होगी, मुमरा में वही व्यवस्था होगी. अभी बड़ा अस्पताल हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर टनल हुआ, यहाँ पर फ्लाईओवर हुआ. ये जो हुआ है ये थाना कॉरपोरेशन राज्य सरकार के माध्यम से हुआ है. मुमरा को हम अलग नज़रिए से नहीं देखते. डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम पूरे शहर को एक ही समान देखते, राज्य को एक समान देखते. और इसलिए यहाँ के युवाओं की, यहाँ के नागरिकों की इच्छा है कि हमारे मुमरा में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ताकि हमारे मुमरा भी मेन स्ट्रीम में आ जाए. तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पर मुमरा को एक विकसित मुमरा बने. एक थाना कॉरपोरेशन का हिस्सा है और थाना कॉरपोरेशन के सभी हिस्से को हम एक समान मानते हैं, और इसलिए निश्चित रूप से उनका जो डेवलपमेंट का मुद्दा है वही मुद्दा हमारा भी है. साहेब उद्या मराठी साहेब उद्या मतदान होणार आहे, कशा प्रकारे लोकांनी मतदान करावं, आपल्या माध्यमातून काय आव्हान असेल लोकांना? लोकशाहीचा पवित्र अधिकार आहे लोकशाहीमध्ये मतदानाचा. त्यांनी आपल्या सगळ्यांनीच मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे आणि सगळ्यांनी मतदान केलं पाहिजे. मुस्लिम जे आपलं संप्रदाय मोठ्या संख्येने आपल्याला आपल्याकडे आले होते, आपल्याला बहुतेक उमेद लावून बसले, काय सांगाल त्याच्याबद्दल? ते काय आता डेवलपमेंट चाहिए और डेवलपमेंट देने वाले हमारी सरकार है. हमारी सरकार का एजेंडा ही है डेवलपमेंट, हर सेक्टर का डेवलपमेंट. मुझे अभी टोरेंट के बारे में भी कई शिकायतें यहाँ सुनने को मिली है. देखिए, हम लोग, हमारी सरकार जो है आम नागरिक के साथ में है. जनता को जो लाभ होना चाहिए, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए हमारी सरकार काम करती है. अगर टोरेंट के बारे में जो भी तकरार है, जो भी कंप्लेंट्स हैं, ये चुनाव होते ही एक हम हाई लेवल की बैठक लेंगे और उसमें जितने भी मुद्दे आते हैं लोगों के हित के बारे, जो भी है लोगों के हित में जो होगा वो हम करेंगे. शिंदे साहब आगे बढ़ो. साहेब उद्या मराठी साहेब उद्या मतदान होणार आहे, कशा प्रकारे लोकांनी मतदान करावं, आपल्या माध्यमातून काय आव्हान असेल लोकांना? लोकशाहीचा पवित्र अधिकार आहे लोकशाहीमध्ये मतदानाचा. त्यांनी आपल्या सगळ्यांनीच मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे आणि सगळ्यांनी मतदान केलं पाहिजे. मुस्लिम जे आपलं संप्रदाय मोठ्या संख्येने आपल्याला आपल्याकडे आले होते, आपल्याला बहुतेक उमेद लावून बसले, काय सांगाल त्याच्याबद्दल? काय आता डेव्हलपमेंट चाहिए और डेव्हलपमेंट देने वाले हमारी सरकार है. हमारी सरकार का एजेंडा ही है डेव्हलपमेंट, हर सेक्टर का डेव्हलपमेंट. मुझे अभी टोरेंट के बारे में भी कई शिकायतें यहाँ सुनने को मिली है. देखिए, हम लोग, हमारी सरकार जो है आम नागरिक के साथ में है. जनता को जो लाभ होना चाहिए, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए हमारी सरकार काम करती है. अगर टोरेंट के बारे में जो भी तकरार है, जो भी कंप्लेंट्स हैं, ये चुनाव होते ही एक हम हाई लेवल की बैठक लेंगे और उसमें जितने भी मुद्दे आते हैं लोगों के हित के बारे, जो भी है लोगों के हित में जो होगा वो हम करेंगे.